हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नागपंचमी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। साल में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। भक्तों को दर्शन सुलभ हो प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम किए। उच्च अधिकारियों में सैफ अल अदेल का नाम चर्चा में है। अल अदेल अलकायदा के संस्थापक सदस्यों में से एक है और संगठन में एक टूटी भी बोलती है। अल अदेल को ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का करीबी भी माना जाता है। सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं। वहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त हुए करीब 900 वकील हटाए गए। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 2017 में दुष्कर्म केस की जांच लगने वाला औसत समय 435 दिन था। जून 2022 तक यह औसत समय घट गया है। द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणियों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही से हटा दिया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर कहा था सोनिया राज्यसभा की सदस्य नहीं है, ऐसे में टिप्पणियां हटाएं क्या। शोर से लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। वहां लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस फिल्म को बायकॉट ना करें। आमिर खान ने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया से बातचीत की और अपनी फिल्म में किए गए बदलाव के बारे में बताया। आमिर खान ने कहा फिल्म की साउथ स्क्रीनिंग भी बदलाव किया गया है। विनामश के हथियारों पर पूरी तरह रोक और इनके वित्त पोषण पर सजा के प्रावधान वाले विधेयक को संसद ने सोमवार को मंजूरी दी। राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार व उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। लोकसभा में विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार प्रदेश में कम बारिश हुई है, फिर भी किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में बारिश और बुआई की सतत समीक्षा के निर्देश दिए। वे सोमवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अगस्त को 122 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 25 गाड़ियों, 10 इलेक्ट्रिक बसों और 2 ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोलंबिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मिक्स रिले स्पर्धा में मेरठ की एथलीट रूपल चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मिक्स टीम ने 3962 मिनट में दौड़ पूरी करते हुए प्रथम स्थान पाया, जबकि जर्मनी ने 3241 मिनट के साथ दूसरा और ग्रेट ब्रिटेन ने 3277 मिनट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। पिज्जा खाने के शौकीन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। डोमिनोज जैसी नामचीन कंपनी के पिज्जा में इस्तेमाल होने वाली सॉस और रिफाइन के नमूने जांच में मानक के विपरीत पाए गए। एडीएम कोर्ट ने कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा विक्टोरिया फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से दाल के लिए नमूने भी फेल पाए गए हैं। इन दोनों कंपनी पर एडीएम कोर्ट ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। लगातार बारिश होने से मैदानी इलाकों में गंगा व अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते लोगों को कई जगह परेशानी उठानी पड़ रही है। राम
रामबन जिले के गुल इलाके में पुलिस चौकी की बाहरी दीवार के पास ग्रेनेड हमला हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मानसून की बारिश से रियासी जिले में थूडू ब्लॉक के बासा गांव में भूस्खलन से 30 मकान जमी ध्वस्त हो गए। पहाड़ पर दरारें देख गांव को पहले ही खाली करवा लिया गया। ग्रामीण थोड़ा बहुत सामान ही साथ ले जा सके। वहीं खराब मौसम में अमरनाथ यात्रा को सोमवार पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि घायल तो यहां पर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जीता है। पंजाबी लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाली सक्रिय कार्यकर्ता अमरीक सिंह ने पिछले 2 दशकों में यूरोप में तस्करी का शिकार हुई 100 से अधिक पंजाबी महिलाओं को बचाया है। उनका कहना है कि पंजाब की कई युवतियां अपने परिवार के सदस्यों के बिना भी अक्सर बेहतर जिंदगी की तलाश यूरोप आ रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। दमकल विभाग में 998 नए पद सृजित करने को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। नए पदों पर जल्द भर्ती होगी। ऑपरेटर कम चालक से लेकर फायर अधिकारियों के इन पदों की भर्ती प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शुरू करेगा। बघेल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जो लोग केंद्र के खिलाफ बोलेंगे उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड मामले में हॉस्पिटल के मैनेजर राम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अस्पताल के डायरेक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मानसून के दूसरे भाग को लेकर नई जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जुलाई की तरह अगस्त और सितंबर में भी भारी बारिश होने के आसार हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।